अश्रु चशम वबा की शिद्दत बरकरार, आंखों में डालने वाले कतरे नापैद हो गए। ड्रॉप्स ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने का इंकशाफ, अश्रु चशम के मरीज आई ड्रॉप्स की तलाश में दर बदर। अश्रु चशम के इलाज के लिए कतरे ना मिलने पर मरीज परेशान। शेख जैद अस्पताल में आउटडोर की बंदिश का छठा रोज, हड़ताल से इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार मरीज खार। डॉक्टर और तिब्बी अमले को दो माह से तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज, कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इकदाम, टीचिंग अस्पतालों को जदीद हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मुंसलिक करने का मंसूबा। टीचिंग अस्पताल HMIS से मुंसलिक होंगे, मंसूबे को 40 करोड़ रुपए लागत से मुकम्मल किया जाएगा। टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी को भी बआसानी मॉनिटर किया जा सकेगा। शहर का सफेद पोश गरीब तबका यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाए जरूरिया सस्ती होने का मुंतजर। अशियाए जरूरिया महंगी होने से सफेद पोश तबके की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई। सफेद पोश तबका अब सिर्फ 1 या 2 किलो आटा खरीदने पर आ गया। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, दालें, चावल, घी, ऑयल सस्ता करने का मुतालबा। गुज़िश्ता 1.5 माह में रोटी की कीमत में 25% तक इजाफा। कीमतों में इजाफे पर भी ग्राम फरोशी पर काबू पाने में मुआवन साबित न हुआ। रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे के बाद 20 रुपए हो गई। शहर के बेशतर तंदूरों पर रोटी 25 रुपए में फरोख्त, नान 20 की बजाय 30 में फरोख्त होने लगा। उधर दालें, चावल, बेसन, मटन, बीफ भी मजीद महंगा हो गया। मटन 1600 और बीफ 800 रुपए किलो हो गया। खबरदार होशियार, वजीर आला का सूद का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने ये अहकाम थानों के दौरे के मौके पर दिए। सूद की रकम वापस ना करने, चेक बाउंस केस का मुलजिम अपनी दास्तान सुनाते रो पड़ा। थाना शफीकाबाद में खातीन ने वजीर आला को अपने केस से आगाह किया। वजीर आला का खातीन की दरखास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। इंदिराज मुकदमा में ताखीर पर SHO फैक्ट्री एरिया को हटाने का हुक्म। पंजाब में गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का बड़ा स्कैंडल, दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन पुलिस हिरासत से बजोर असलहा फरार। मुलजिम फवाद मुमताज को लाहौर पुलिस अटक से लाई। वकुआ की निशानदही के लिए जाते हुए मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम के दो साथियों ने असलहा दिखाकर मुलजिम को फरार करवाया। सब इंस्पेक्टर की मुदय्यत में थाना कहना में मुकदमा दर्ज। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर का केस, मुलजिमान के वकला अदालत में पेश हुए और मोहलत तलब की। जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब समेत मुलजिमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। अदालत ने केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट बार के डिफॉल्टर वकला की अदम अदायगी का मामला, बार ने वाजिबात जमा करवाने की तारीख में 2 अक्टूबर तक तस्वीर कर दी। आज बैंकों की छुट्टी होने के बावजूद तारीख में तोसी की गई। 5000 से जायद वकला, 1.90 करोड़ से जायद के डिफॉल्टर हैं। ड्रग माफिया के केसेस की समाअत के लिए लाहौर में सिर्फ एक अदालत, 8 माह से जज भी तैनात नहीं। इस आलिन खार होने लगे। हाल ही में शुगर के मरीजों को टीके लगाने का स्कैंडल सामने आया। गिरफ्तार 2 मुलजमान का रिमांड लेने के लिए 2 अदालतों के चक्कर लगाना पड़े। रेलवे की रिटायर्ड खातून को ग्रेजुएटी की रकम ना देने का मामला, हाईकोर्ट में CEO रेलवे शाहिद अजीज के खिलाफ तोहीन अदालत की दरखास्त। अदालत का EEO रेलवे को दरखास्त गुजार को सुनकर 15 रोज में फैसले का हुक्म। (2018 के इलेक्शन के अखराजात की तफसीलात जमा न कराने का केस, 3 आजाद उम्मीदवारों के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर हयात, तारिक मसूद और रुहेल अशरफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। IG उस्मान अनवर ने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम का बाजाबता आगाज कर दिया। तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान की शिरकत, नामवर एंकर पर्सन और कॉलम निगारों ने भी शिरकत की। IG ने नौजवान तलबा और तालिबात को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के बैजेस लगाए।
अब तालीम के नाम पर धोखा नहीं हो सकेगा। प्राइवेट तालीमी इदारों के मयारे तालीम के तायुन का फैसला। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सूबे भर के प्राइवेट स्कूलों का इम्तिहान लेगा। नाकिस नतीज पर मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी। उधर सरकारी स्कूलों में फर्स्ट टर्म इम्तिहान का ऐलान कर दिया गया। फर्स्ट टर्म इम्तिहान 3 से 14 अक्टूबर तक लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में नुमाया पोजीशन। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी दुनिया की 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शामिल हो गई। यूनिवर्सिटी ने बैनुल अक्वामी आउटलुक में दुनिया भर में 667वीं पोजीशन हासिल की। जेवरे तालीम प्रोग्राम के तहत घोस्ट तालिबात को वज़ाइफ देने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन का घोस्ट तालिबात को वज़ाइफ देने का नोटिस। महकमे ने वज़ाइफ की फराहमी के लिए तालिबात का दुरुस्त डेटा फराहम करने का हुक्म दे दिया। 16 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को ताज़ा डेटा सिस्टम पर अपलोड करने का हुक्म। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की विरासत इंतकाल केस 1 माह में निपटाने की हिदायत। तकसीम जायदाद के केस भी हंगामी बुनियादों पर निपटाने का हुक्म दे दिया। विरासत इंतकाल में बेटी को लाजिम हिस्सा देने की हिदायत। विरासत इंतकाल में बेटी को हिस्सा ना देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मरियम अस्पताल के करीब वासा का ट्यूबवेल होने का मामला। ट्यूबवेल की वजह से इमारत में दरारें पड़ गईं। अस्पताल के सीईओ ने सेशन अदालत में एमडी वासा के खिलाफ दरखास्त दे दी। अदालत ने निश्चित कॉलोनी पुलिस से 9 अक्टूबर को रिपोर्ट मांग ली। पीपल्स पार्टी का पंजाब में अवामी राबिता मुहिम शुरू करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सोमवार को लाहौर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी क्यादत ने वस्ती पंजाब की क्यादत से शेड्यूल तलब कर लिया। डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट तंजीमों को जल्द वर्कर्स कन्वेंशन करने की ताकीद। मुस्लिम लीग कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कामयाब बनाने के लिए मरियम नवाज, हमजा शहबाज सरगर्म। मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज कल से लाहौर में जुलूसों का आगाज करेंगे। दोनों रहनुमा कल NA 123 में जलसे से खिताब करेंगे। कबल अजी मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के इंतजाम पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून का कल्चरल विंग की तंजीम साजी के हवाले से अहम इजलास। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क होकर ने सदारत की। कल्चरल विंग के रहनुमाओं ने मलिक सैफुल मुल्क होकर को पगड़ियां पहनाई। मलिक सैफुल मुल्क होकर और राणा अहमद अरशद ने कल्चर विंग के नोटिफिकेशन तकसीम किए। रॉयल स्विस होटल में एक रोजा फैशन लाइफस्टाइल एक्सपो। मलबूसात, ज्वेलरी, स्किन डिजीजेस के इलाज, क्रॉकरी, फूड स्टॉल्स लगाए गए। एक रोजा लाइफस्टाइल एक्सपो में रैंप वॉक का भी एहतमाम किया गया। ग्यारहवीं वैक्सीनेट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब। 3 रोजा नुमाइश का इनेकाद एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 1 और 2 में किया गया। निगरान सूबाई वजीर इंडस्ट्री SM तनवीर ने तकरीब में शिरकत की। वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन। निगरान वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने सेशन में खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहते हैं बिनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। लेबोरेटरी रिपोर्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन की जेरे सदारत जेंडर सेल की कारकर्दगी बारे जायजा मीटिंग। फोकल पर्सन सब इंस्पेक्टर अनम अशफाक समेत तमाम डिविजनल जेंडर सेल इंचार्जेस की शिरकत। डॉक्टर अनुश मसूद का जेरे तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा। पेंडिंग मुकदमात पर इंचार्जेस की सरजनिश। जेंडर सेल को मतलूब इश्तिहारी मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार नाराजगी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फारूकाबाद के ट्रैफिक पुलिस अफसरान का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। वक्त में एडवांस क्लास कोर्स के 300 से ज़ायद ज़ेरे तरबियत अफसरान, फैकल्टी मेंबरान शरीक।
शिफ्ट कमांडर डीएसपीज ने सेफ सिटी की वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द का पुकार 15 इमरजेंसी हेल्पलाइन और इलेक्ट्रॉनिक डेटा एनालिसिस सेंटर का दौरा। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्कियों का मामला, स्पेशलाइज ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस कोर्स 2 अक्टूबर को शुरू होगा। कोर्स पुलिस कॉलेज सहाला, पुलिस कॉलेज सुहंग में बेअपक्ष शुरू होगा। कोर्स में लाहौर पुलिस के 40 सब इंस्पेक्टर समेत 233 इंस्पेक्टर शिरकत करेंगे। PIA का लाहौर से सऊदी अरब दो तरफा फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर, एक जहाज में फनी खराबी से 5 से ज्यादा परवाजें मुतासर। दमाम से आने वाली परवाज PK 848 25.5 घंटे ताखीर का शिकार। जद्दा जाने वाली परवाज PK 739 8.5 घंटे लेट हो गई। रियाद से आने वाली परवाज PK 726 भी 3 घंटे लेट। शहर में डेंगू के बढ़ते केसेस पर जिले इंतजामिया मुतहरिक, इंतजामिया अफसरान की जानिब से सर्विलेंस की मॉनिटरिंग जारी। DC राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद। AC कैंट, AC मॉडल टाउन, AC चालीमार की कार्रवाइयां, डेंगू केसेस वाले इलाकों में स्प्रे करवाया गया। और सातवीं कॉरपोरेट प्रीमियर लीग के मैचेस जारी, पहले ग्रुप मैच में नेटसोल और यूनि सॉफ्टवेयर की टीमें मदे मुकाबले। यूनि सॉफ्टवेयर ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। नेटसोल ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 152 रन बनाए। काशिफ अली ने 45, मोहम्मद अजहर ने 24 रन स्कोर किए।